आज मैं बनाने वाली हूँ केक, तो आज मैं वनीला फ्लेवर का केक बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रीमिक्स ले लिया है और उसमें मैंने पानी ऐड कर लिया, थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। और इसको ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे विस्कर के हेल्प से। और मैंने यहाँ पे ना वनीला एसेंस डाल दिया है, मतलब 3 से 4 बूंद मैंने वनीला एसेंस डाला है। और इसको फिर से मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी। तो इसको ना अच्छे से, मतलब जैसे रनिंग बैटर होता है ना, एकदम रनिंग बैटर वैसा हम इसको बना लेंगे जैसा आपको दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा उसको थिक भी नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया है, तो मैंने यहाँ 1 पाउंड का केक टिन लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग पेपर, मतलब आपके पास जो भी बेकिंग पेपर होगा वो ले सकते हो। और उसके बाद मैंने ना उसको उसी के साइज़ में कट कर लिया है सर्कल में। और फिर अब इसमें ना जो बैटर मैंने बनाया था ना प्रीमिक्स का, उसको मैं इसमें पोर कर लूँगी। तो ये केक ना मैं बना रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, मतलब वो जाने वाली थी चेन्नई, तो उसको, उसके लिए मैं ये केक बना रही हूँ। तो वो अभी घर आई हुई थी, तो वो जाने वाली है, तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं ये केक बनाऊँ। तो ये केक जाने वाला है चेन्नई, तो फिर मैंने यहाँ पे रात को ही बेक कर लिया था इसको, रात को बेक करके रख लिया था। और क्रीम को मैंने ना अच्छे से विस्क करके ना रात में ही रख दिया था फ्रीज में, ताकि वो एक बार अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये ना मैंने रात को ही बेक करके रख लिया था। तो मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर लिया है और मैंने दोनों रॉड ऑन कर दिया है, और 180 डिग्री में मैंने 30 से 35 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से बेक कर लिया था। और अगर वो बेक नहीं होता है ना, तो आप 5 से 10 मिनट और ज़्यादा उसको बेक कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना व्हिपिंग क्रीम ले लिया था, और यहाँ पे मैंने अपना हैंड ब्लेंडर ले लिया है। इसमें मैं दोनों को अच्छे से हम फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं ना ये जो क्रीम लिया ना मैंने व्हिपिंग क्रीम, इसको अच्छे से ना हम विस्क कर लेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से हमको विस्क करना है। तो ये इसको ना 2-3 बार हमको विस्क करना पड़ता है, मतलब आप एक बार करोगे और उसके बाद वापस से आपको ये फ्रिज में डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद निकाल के ना उसको वापस से आपको ऐसा विस्क करना पड़ेगा, तभी वो क्रीम बहुत अच्छा बनता है। एक बार में तो वो नहीं बनता। और गर्मी के टाइम में ना क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है, तो ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने ना 1-2 बार पहले ही रात में करके रख लिया था, फिर सुबह उठ के मैंने वापस से उसको फिर से विस्क किया। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, और टूथपिक भी एकदम क्लियरली निकल के आ रहा है। और बेक होने के बाद ना मैंने इसको ना रात को फ्रिज में रख दिया था वापस, और उसके बाद मैं सुबह इसको निकाली हूँ। तो ये सुबह का वीडियो है, तो अब आइसिंग वगैरह मैं सब अभी करूँगी। तो इसमें क्या है ना कि ये जो कटिंग है ना, वो बहुत क्लियरली इसकी केक की कटिंग होती है। अगर आप गर्म में इसको काटोगे ना, तो वो ना अच्छे से क्लियरली नहीं कटता है, तो वो सारे केक ना आपके टूट भी सकते हैं। तो हमेशा केक को ठंडा करने के बाद ही हम इसमें कट करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से आइसिंग कर लिया है। तो मैंने इसमें इस बार ड्वेल कलर लिया है, मतलब कि मैंने नीचे पर्पल वाला शेड लिया है और ऊपर में वाइट कलर का शेड लिया है। और उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से पाइपिंग बैग से ना इसमें अच्छे से फ्लावर्स बना दूंगी। मेरे पास बहुत सारे इसमें नोज़ल है, तो मैंने आज ये वाला नोज़ल यूज़ किया है। और इसे मैंने कोशिश की कि मैं ना कम से कम क्रीम यूज़ करूँ, क्योंकि क्रीम बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो काफ़ी लोग क्रीम हटा भी देते हैं केक से। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम फ्लावर्स लगाए हैं, मतलब क्रीम से बहुत कम डेकोरेट किया है। तो हमारा यहाँ पे केक बनके रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर का केक बनाया है, और इसमें मैंने मिक्स फ्रूट का क्रश डाला है। वो सबको मैंने वीडियो में नहीं लिया है, नहीं ऐड किया है, बट मैं नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो भी देखना है, तो मैं वो भी इस वीडियो में ऐड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये केक बेकिंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ऐसा मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला है। मैंने केक को ना सुबह ही अच्छे से पैक करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि ना वो अच्छे से सेट हो जाए क्रीम, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा देर हो जाने से क्रीम मेल्ट होने लगता है। और मेरा केक सच में वहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैंने ऊपर से स्प्रिंकलर भी ऐड कर दिया है, जो आपको दिख रहा है वो मतलब एडिबल है, आप उसको खा भी सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको भी केक खाना है मेरे हाथ का, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए भी केक बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे अभी केक बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, तो मैं सबके लिए केक बनाऊँगी। ओके, बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।